इस देश में अगर किसी सरकार को गरीबों का भला करना है, दलितों का, पिछड़ों का, वंचित का, शोषित का भला करना है, तो श्रीमद नारायण गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, अगर सरकारें उस रास्ते पर चलें, तो इन समाज के लोगों का भला होना निश्चिंत हो जाएगा। और इसलिए दिल्ली में जो वर्तमान सरकार बैठी है, उस पर अगर इस देश में किसी का हक है, तो इस देश के गरीबों का सबसे पहला हक दिल्ली की सरकार पर है। इस देश के दलितों का है, इस देश के पीड़ितों का है, इस देश के शोषितों का है, इस देश के पिछड़ों का है, इस देश के उपेक्षितों का है, उनका सबसे पहला हक दिल्ली में बैठी हुई सरकार के ऊपर है। कई नए विकास के कामों की सूची रखी, चाहे सबरीमलाई का विकास की बात हो, चाहे सबरीमलाई को रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नामकरण की बात हो, चाहे या विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुछ योजनाएं बनाने की बात हो, अनेक सारे विषय रखे और बड़े महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाए हैं। अच्छा होता कि मैं आज तुरंत कह देता कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन मेरी कठिनाई है, मेरी कठिनाई ये है कि दिल्ली में पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। पार्लियामेंट चले या न चले, लेकिन सत्र चलता है, और जब सत्र चल रहा है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम बाहर संसद के सत्र के समय बाहर किसी चीज की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उत्तम बातें नटेशन जी ने बताई है, उसके बावजूद भी मैं आज संसद के सत्र को ध्यान में रखते हुए एक भी चीज की घोषणा नहीं कर पाऊंगा। जिन लोगों को पिछले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने घर भेज दिया, पराजित कर दिया, उन लोगों ने तय किया है हम तो बर्बाद हुए लेकिन तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेंगे, हम संसद को चलने नहीं देंगे, देश का जो होगा होगा, हमको पराजित किया है तब देख लो हम कैसा करते हैं, लोकतंत्र का कैसा मजाक बना के रख दिया गया।